Hello everyone, I welcome you all on my channel. Today we discuss chapter 10, that is Integrated Pest Management, from the book Fundamentals of Agriculture, Arun Kathan, volume 2. And today this is the fourth part of this chapter, and in today's chapter we are going to discuss the chemical control and quarantine measure. So before starting the video, make sure you have subscribed this channel by pressing the bell icon. So let's start. Before starting the topic, I have a question for you to test your knowledge. So this is the question based on the previous part of this chapter, and the question is, which wheat plant is controlled by Zygogramma bicolorata? In charo mein se kaun sa weed hai, kaun sa wheat plant hai jisko hum Zygogramma bicolorata se control kar sakte hain? Your options are prickly pear, second parthenium, next water hyacinth, last all the above. So if you know the right answer, then you can comment in the comment section. And now we'll start this chapter. So the topic is chemical control. Chemical control kya hota hai? When we are using pesticides, insecticides, they are considered as chemical control. So whenever we are going to use the pesticides for controlling the insect pest, we generally consider two things. The first we consider द यूज़ ऑफ सेलेक्टेड पेस्टिसाइड्स, मीन्स हमको जो पेस्टिसाइड्स यूज़ करने वो सिलेक्टेड होने चाहिए. सिलेक्टेड का सेंस क्या आता है? सिलेक्टेड का यहाँ पे सेंस ये है कि जो भी हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइप जो है वो सिलेक्टेड होना चाहिए. सिलेक्टेड का मतलब है सिर्फ टारगेट पे ही वर्क करना चाहिए. टारगेट जो ऑर्गेनिज्म है या फिर टारगेट क्रॉप है उसी पर अपना असर जो है उसको दिखाना है. जो नॉन टारगेट स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, हमने पढ़ा था बायो कंट्रोल के बारे में, तो वहाँ पे हमने कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ पढ़ी थी जिन्हें हम नाम दिया था नेचुरल प्रीडेटर्स या फिर नेचुरल एनिमीज़. ठीक है, तो जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं जनरली इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें हमारे आते हैं पैरासाइट एंड प्रीडेटर्स, इसके अलावा आते हैं हमारे पैरासिटॉइड. ठीक है, इन तीनों में थोड़ा अंतर होता है जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था क्या डिफरेंस है. तो जनरली हमारे जो नेचुरल एनिमीज़ होते हैं वो यही होते हैं, पैरासाइट, पैरासिटॉइड या फिर प्रीडेटर्स. तो ये हमारे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं, और हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं वो सिलेक्टेड होना चाहिए. इन मीन्स कि वो सिर्फ टारगेट पर ही वर्क करना चाहिए. जो नॉन टारगेट है, लाइक अगर हम फील्ड में स्प्रे करेंगे तो इट मस्ट मेक श्योर कि हमारे जो नेचुरल एनिमीज़ हैं उनको कोई खतरा ना हो. अगर ये नहीं हो पाएगा, ये ऑप्शन अगर फुलफ़िल नहीं होता है, तो हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे. नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यू होता है, दैट इज़ अ नीड बेस्ड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड. अगर हम सिलेक्टेड पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, तो जो कोई भी हम पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं उसकी अमाउंट को हम रेगुलेट करेंगे. नीड बेस्ड, नीड बेस्ड का मतलब कि उसका जितना ज़रूरत है उतना ही हम यूज़ करेंगे. तो अब हम वन बाय वन दोनों को देखते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ सिलेक्टेड पेस्टिसाइड्स. तो सिलेक्टेड पेस्टिसाइड्स में वी हैव सम लिस्ट ऑफ पेस्टिसाइड विच आर जनरली कंसिडर्ड एज सेफ फॉर अवर नेचुरल एनिमीज़. यानी बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं हमारे पास जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ के लिए हार्मफुल नहीं होते, हमारे नेचुरल एनिमीज़ के लिए सेफ होते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पेस्टिसाइड ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं मोनोटॉक्सिक केमिकल्स. मोनोटॉक्सिक का मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे ही हार्म करेंगे, बाकी हमारे नेचुरल एनिमीज़ के लिए सेफ होते हैं मोनोटॉक्सिक. तो इसमें हमारे कौन से केमिकल्स आते हैं? तो यू कैन सी वी हैव वैरायटी ऑफ लिस्ट हेयर. यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो पेस्टिसाइड है, लाइक इंडोसल्फान. इंडोसल्फान जो है जनरली सेफ होता है, जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ होते हैं उनके लिए जनरली ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इंडोसल्फान, वो सेफ होते हैं. सो देयर आर सम मेजर्स टू डू सो. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेजर्स होते हैं हमारे पास, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड का सिलेक्टेड अमाउंट हम यूज़ कर सकते हैं, यानी सिलेक्टेड पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी प्रिस्क्राइब. सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें पेस्टिसाइड जो डोज हम अप्लाई करेंगे वो मिनिमम अमाउंट में अप्लाई करना है. देन केमिकल शुड बी सिलेक्टेड ऑन परमानेंट बेसिस बट एट एवरी टाइम द पेस्टिसाइड ऑफ लेस स्ट्रेंथ शुड बी यूज. यानी सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पेस्टिसाइड का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं. रेगुलर फ्रिक्वेंटली अगर यूज़ करें, जल्दी जल्दी यूज़ करेंगे, तो हमको ऐसे पेस्टिसाइड यूज़ करने हैं जिनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो,
स्ट्रेंथ कम होगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लेस स्ट्रेंथ का पेस्टिसाइड अगर हम स्प्रे करेंगे तो उसका जो रेसिडुअल इफ़ेक्ट होता है वो कम होगा। रेसिडुअल इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, सपोज़ हमने किसी पर्टिकुलर क्रॉप में पेस्टिसाइड का स्प्रे करा है, तो रेसिडुअल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि उसकी जो केमिकल नेचर होता है, उसकी केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं वो कुछ टाइम के लिए सॉइल में परसिस्ट करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज रेसिडुअल इफेक्ट। तो अगर कम स्ट्रेंथ वाला पेस्टिसाइड हमने स्प्रे करा होगा तो उसकी रेसिडुअल एक्टिविटी कम होगी, तो इसलिए हम प्रेफर किया जाता है कि अगर आपको ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ी तो आप लेस स्ट्रेंथ वाला पेस्टिसाइड ही प्रेफर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द केमिकल शुड बी यूज इन अ प्लान्ड वे टू किल द टारगेट पेस्ट ओनली। तो सिलेक्टेड पेस्टिसाइड का मतलब ही होता है कि हमें सिर्फ टारगेट वाले पेस्ट को ही किल करना है, जो नॉन टारगेट होते हैं। नॉन टारगेट में हमारे पास क्या क्या आता है, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे नेचुरल एनिमीज हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए, उनको कोई हार्म ना हो। आफ्टर दैट कीप द सर्फेस रफ एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग सो दैट द बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म कैन बी स्केप इन हॉलो प्लेसेस। तो हमें जो भी स्प्रे करना होता है तो सरफेस पे करना होता है, कीप द सर्फेस रफ एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग हम जनरली किस में करते हैं, बहुत सारी क्रॉप्स हैं, हमारा जो फेमस क्रॉप है जिसमें हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं दैट इज़ अवर राइस। तो इस टाइम पे हम अगर हम ट्रांसप्लांटिंग जब भी हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो मेक श्योर कि जो हमारा सरफेस वो थोड़ा सा रफ हो, क्योंकि रफ सरफेस पे जो हमारे बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ईजिली वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज जो रफ सरफेस होता है, जो रफ सरफेस होता है ना सॉइल के ऊपर, उसमें क्या होता है कुछ कैविटीज़ बनती हैं, कुछ खाली जगह बन जाती है, कहीं कहीं पे खाली जगह होती है, तो ये नेचुरल एनिमीज जो होते हैं ये इनके अंदर हाइड कर लेते हैं, अपने को छिपा लेंगे, तो इसलिए ये बच जाते हैं। तो ये मतलब था यहाँ पे कि रफ़ सरफेस कैसे हमारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है दैट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड ओनली वेन द पेस्ट पॉपुलेशन क्रॉस थ्रेशोल्ड लेवल। इट इज़ वेरी अंडरस्टूड दैट थ्रेशोल्ड लेवल पार करने के बाद ही हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम कौन से मेथड यूज़ करेंगे। सपोज़ अगर इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है उसने हमारा थ्रेशोल्ड इंजरी लेवल क्रॉस नहीं करा, इंजरी लेवल, तो हम क्या करेंगे, अगर वो क्रॉस कर देगा यानी पेस्ट की पॉपुलेशन एक लेवल से बाद इंक्रीज़ हो जाएगी, इंजरी लेवल का मतलब है पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब वो इंजरी कॉज करे, यानी जो प्लांट में डैमेज होता है वो कॉज करे, इकोनॉमिक डैमेज हमको हो रहा है, तभी हमको पेस्टिसाइड का यूज़ करना है। अदरवाइज मतलब इससे पहले जब इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड चल रहा था उस टाइम पे हम अपने कल्चरल मेथड का यूज़ करेंगे, या फिर जो हमारा मैकेनिकल मेथड था, या जो हमारे बायो कंट्रोल मेथड थे वो ही यूज़ करेंगे। लास्ट में अगर थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करके थ्रेशोल्ड इंजरी लेवल आ गया है तब हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स का। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली सिलेक्टेड एंड परसिस्टेंट ओनली सिलेक्टिव एंड नॉन परसिस्टेंट पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रे, यानी सिलेक्टिव होने चाहिए प्लस नॉन परसिस्टेंट होने चाहिए। नॉन परसिस्टेंट का मतलब है कि उनका जो टाइम रहता है कि जितने टाइम तक वो वहाँ रेसिडुअल उनका रेसिड्यूज रहता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल इफेक्ट, और नॉन परसिस्टेंट का मतलब कि उनका जो रेसिडुअल इफेक्ट है वो कम होगा। तो ऐसे ही पेस्टिसाइड्स हमको स्प्रे करने होंगे, बिकॉज अगर हम कम अमाउंट में ही यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड पेस्टिसाइड का ही यूज़ करेंगे, तो सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिज्म पे वर्क करेंगे, हमारे जो नेचुरल एनिमीज हैं या नॉन टारगेट स्पीशीज़ हैं उन पे वर्क नहीं करेंगे। अब आगे चल के हम देखते हैं कि कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं जो कि मोनोटॉक्सिक कैटेगरी में फिट होते हैं। मोनोटॉक्सिक का मतलब क्या है, अभी हमने ऊपर देखा था, मोनोटॉक्सिक का मतलब होता है मोनो मीन्स होता है वन या सिंगल, और टॉक्सिक का मतलब जिसमें टॉक्सिक सिटी होती है। तो मोनोटॉक्सिक पेस्टिसाइड यानी जो सिर्फ टारगेट स्पीशीज़ पे वर्क करेंगे, तो वी हैव सम लिस्ट लाइक इंडोसल्फान, जो मैंने आपको पहले बताया था, इंडोसल्फान जो होता है वो मोनोटॉक्सिक होता है यानी सिर्फ टारगेट स्पीशीज़ पे वर्क करेगा। और इंडोसल्फान कैसा इंसेक्टिसाइड है, ये हमने जब इंसेक्टिसाइड का चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर हमने देखा था कि जो इंडोसल्फान होता है ये हमारा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है, प्लस इसमें क्लोरीन तो होता ही होता है, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, इसमें अगर हम इसका फॉर्मूला देखें इंडोसल्फान का, तो इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड क्लोरीन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता, क्लोरीन होगा, प्लस इसमें सल्फर भी मौजूद होता है, तो इसमें सल्फर भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमारे आते हैं फॉस्फोलोन, मोनोक्रोटोफॉस, ऑक्सीडिमिटॉन, मिथाइल डाइक्लोरोवॉस, ये सब हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड हैं जो कि
सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे ही वर्क करते हैं। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में बोटानिकल्स के बारे में पढ़ा था, यानी बायो पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा था। तो जितने भी हमारे बायो पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स, एकेरिसाइड्स जो माइट्स वगैरह को किल करते हैं, हर्बिसाइड्स, दे आर ऑल्सो जनरली सेफ टू अवर नेचुरल एनिमीज। तो ये भी हमारे जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनके लिए सेफ कंसिडर किए जाते हैं। नेचुरल एनिमीज में अगेन आई एम टेलिंग यू कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हमारे पैरासिटॉइड्स आते हैं एंड प्रीडेटर्स आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पैरासाइट क्या होते हैं, प्रीडेटर्स क्या होते हैं, वी हैव ऑल कंप्लीट दैट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़े से एक डाटा दिया है आपको कि कितने स्पीशीज़ कहाँ कहाँ मतलब यूज़ हो रहे हैं। तो टोटल 1005 स्पीशीज़ जो है प्लांट स्पीशीज़, दे हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं आपको नाम बताऊँ, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीशीज़ होती हैं जिनमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वी ऑल नो दैट टोबैको, ठीक है, टोबैको का प्लांट में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है। नीम, नीम के अंदर भी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इसके अलावा 3-4 स्पीशीज़ दे हैव एंटीफिडेंट प्रॉपर्टीज़, यानी एंटीफिडेंट का मतलब कोई खा ना सके, ठीक है। ये एंटीफिडेंट नेचर हमारे किसका होता है, नीम का होता है। नीम में जो कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली एंटीफिडेंट का भी वर्क करते हैं। इसके अलावा 297 स्पीशीज़ जो हैं रेपलेंट हैं, 27 हैव अट्रैक्टेंट एंड 31 स्पीशीज़ जो होती हैं वो ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। इसमें आपको एग्जांपल दिया नीम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एजाडी रेक्टा इंडिका। इसके अलावा नीम का एक और नाम है, दैट इज़ मार्गोसा। ये भी नीम का ही नाम है, मार्गोसा। तो नीम हो गया, मार्गोसा साइंटिफिक नेम है एजाडी रेक्टा इंडिका। पोनगामिया ग्लोब्रा, तो पोनगामिया ग्लोब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लेग्यूमिनस प्लांट होता है पोनगामिया ग्लोब्रा। इसके अंदर भी सेम इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देन महुआ, ठीक है, महुआ मधुका इंडिका साइंटिफिक नेम है। ये सब हमारे कुछ बोटानिकल्स या फिर बायो पेस्टिसाइड्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक ये जितने भी प्लांट्स हैं इनमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें शो होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जांपल दिया है नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का, कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट में 2-5% एक्चुअल कंपाउंड पाया जाता है, एक्टिव कंपाउंड, जिसका नाम होता है एजाडी रेक्टिन। साइंटिफिक नेम नीम का है एजाडी रेक्टा इंडिका। और नीम सीड कर्नल में जो 2-5% बात करी गई है, 2-5% होता है हमारा कंपाउंड, दैट इज एजाडी रेक्टिन। एजाडी रेक्टिन कंपाउंड का नाम है, 2-5% वो पाया जाता है। और ये हमारा इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी शो करता है टू कंट्रोल सम इंसेक्ट, लाइक राइस कटवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए होता है। डीवीएम डायमंड ब्लैक मॉथ जो कैबेज में लगती है, राइस बीपीएच ब्राउन प्लांट हॉपर, ग्रीन लीफ हॉपर, टोबैको कैटरपिलर, डिफरेंट टाइप्स के एफर्ट्स को भी ये कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। महुआ सीड एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं जिसमें 5% एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और ये जनरली सॉफ्टफ्लाई और दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। अब हमने जो पहली कैटेगरी थी कि जो सिलेक्टेड पेस्टिसाइड उनका यूज़ करो, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई सिलेक्टेड पेस्टिसाइड है ही नहीं, वी हैव इन जनरल पेस्टिसाइड, तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि हमें कम अमाउंट में यूज़ करना है, उसकी डोज कम करनी, यानी नीड बेस्ड पेस्टिसाइड का ही यूज़ करना है। जितनी ज़रूरत है तभी हम यूज़ करेंगे। इसमें हमारे क्या आती है, इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अब इसमें जो हमारा जनरल मेथड होता है, दैट इज़ जो अल्टीमेटली पेस्ट की जो पॉपुलेशन होता है उसको रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको क्या करना होता है, वी आर यूजिंग जनरली कैलेंडर बेस्ड अप्रोच मेथड व्हेन एवर वी आर गोइंग टू अप्लाई पेस्टिसाइड। मींस जब भी हम फील्ड में पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं हम कैलेंडर बेस्ड मेथड को फॉलो करते हैं। कैलेंडर बेस्ड मेथड में क्या होता है कि सपोज हमने एक पर्टिकुलर फील्ड में क्रॉप ग्रो करी है, सपोज हमने वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ राइस क्रॉप, हमने राइस क्रॉप को ग्रो करा है, पैडी को ग्रो करा है, और जनरली खरीफ सीज़न का क्रॉप है तो हम इसको ग्रो करेंगे खरीफ में। तो जून जुलाई वाला जो टाइम होता है हमने इसको नर्सरी लगाई है, दैन हम इसको ट्रांसप्लांट करके प्रॉपर ग्रो कर चुके हैं। अब क्या होता है कि कैलेंडर बेस्ड अप्रोच में ये बोला जाता है कि अगर इसकी सोइंग टाइम ये है तो 1 महीने बाद या 2 महीने के बाद हमको याला कोई भी एक्स वाई जेड हमारा पेस्टिसाइड वो स्प्रे करना है, इतनी अमाउंट में स्प्रे करना है। उस फर्स्ट स्प्रे के बाद हम सेकंड स्प्रे इस डेट में करेंगे, तो क्योंकि पर्टिकुलर डेट होती है। तो ये हमारा होता है कैलेंडर बेस्ड अप्रोच, बट ये मेथड जो है फॉलो नहीं करना होता है। व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज होता क्या है कि हम
ये जो मेथड होता है ना कि हमें कितना पेस्टिसाइड यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है कि हमारी नॉर्मल एक्टिविटी कैसी है। फॉर एग्जांपल अगर हम शुरुआत से प्रॉपर कल्चरल मेथड यूज़ करते हुए चल रहे हैं, यानी कल्चरल मेथड का मतलब आप सोच लो कि हमने सपोज राइस ग्रो तो करा है, बट हमने उसकी राइस की कोई रेजिस्टेंट वराइटी ग्रो कर रखी है। कल्चरल मेथड में आ गया रेजिस्टेंट वराइटी। जब हम रेजिस्टेंट वराइटीज़ की बात करते हैं उसका मतलब कल्चरल मेथड है। मैकेनिकल मेथड की अगर हम बात करें, सपोज हमने राइस की ट्रांसप्लांटिंग जो भी हम ऑपरेशन करते हैं, हमने जो इक्विपमेंट वहाँ यूज़ करे थे वो सब प्रॉपर हाइजीन थे, क्लीन थे, उनमें कोई भी डिसीज्ड पार्ट प्रेजेंट नहीं था, स्पोर्स प्रेजेंट नहीं थे। हमने सीड भी जो यूज़ करा है वो मैकेनिकली हमने अच्छे से ट्रीट कर रखा है, हाई हीट ट्रीटमेंट या हाई टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे के ही हम सीड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैकेनिकल हो गया। तो जब हम कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो कर चुके हैं, मैकेनिकल प्रैक्टिस फॉलो कर चुके हैं, एट लास्ट अगर फिर भी हमारे इंसेक्ट कंट्रोल नहीं हो रहे, थोड़े बहुत इंसेक्ट रह जाते हैं, तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा हाई पेस्टिसाइड का डोज यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज कुछ मेथड को फॉलो करते करते ऑलरेडी हमारी जो पेस्ट की पॉपुलेशन वो कुछ हद तक थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन जो बची कुची पॉपुलेशन की अमाउंट है उसके लिए हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे वो ज़रूरी नहीं कि कैलेंडर बेस्ड अप्रोच मेथड ही फॉलो करें। मे बी कैलेंडर बेस्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डेट में हमको पेस्टिसाइड अप्लाई करना है, सपोज़ हमको बोला गया कि जून जुलाई में राइस की सोइंग हुई है, तो हमको बोला गया कि अक्टूबर में जो फर्स्ट वीक है अक्टूबर में इस पर्टिकुलर एक्स वाई इंसेक्ट का स्प्रे करना है। लेकिन अगर हम देखें पर्टिकुलर उस अक्टूबर के टाइम पे अगर हमने सारी प्रैक्टिस को फॉलो करा है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी फॉलो हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फॉलो है हमारी अच्छे से, तो उस टाइम पे पर्टिकुलर अक्टूबर का जो सपोज बोला गया है हमको टाइम की टाइम पे आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में अक्टूबर के टाइम पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी है कि हमको स्प्रे करना है, ये क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए। तो अगर एक्चुअल में पॉपुलेशन नहीं है तो हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, आंसर कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, यह बहुत कम अमाउंट में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है कैलेंडर बेस्ड अप्रोच जो जनरली रिकमेंड नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और इसके लिए हमें पूरी अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए अपने फील्ड की, हमने कि कौन सी प्रैक्टिस फॉलो कर चुके हैं, कल्चर प्रैक्टिस फॉलो की है, मैकेनिकल प्रैक्टिस फॉलो की है, बायो कंट्रोल्स भी हमने यूज़ कर रखे हैं, उसके बाद जाके हम कैलेंडर बेस्ड कब देखेंगे मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी डेट्स को। तो यहाँ पे हमारे जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं IPM प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं अगर हमको केमिकल स्प्रे करना है। फर्स्ट वन इज़ एसेंशियल नर्सरी ट्रीटमेंट टू दैट द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट बॉर्न इंसेक्ट इन द नर्सरी टू बी मिनिमाइज, यानी नर्सरी में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं ताकि नर्सरी में पेस्ट की पॉपुलेशन मिनिमाइज हो सके। देन मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, पेस्ट की पॉपुलेशन अगर कम है तो पेस्टिसाइड का यूज़ भी कम हो जाएगा। प्रॉपर नर्सरी की केयर करेंगे ताकि पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नौबत नहीं ना आए। और कैलेंडर बेस्ड मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे, द पेस्टिसाइड शुड नॉट बी यूज्ड कैलेंडर बेसिस। कैलेंडर बेसिस क्या होता है अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड हमको यूज़ करना है लेकिन प्रॉपर टाइम में, तो याद रखना प्रॉपर अमाउंट यूज़ करनी है और प्लस प्रॉपर टाइम पे यूज़ करना है। तो ये सब हमारा होता है IPM का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं हम एकदम न्यू टॉपिक पे, दैट इज़ अ पेस्ट सर्विलेंस। पेस्ट सर्विलेंस बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको अगर हम समझें तो ये एक तरह का क्या होता है, डिसीजन मेकिंग टूल होता है। क्या होता है IPM में जो डिसीजन मेकिंग टूल होता है वही हमारा पेस्ट सर्विलेंस कहलाता है। मैनेजमेंट टूल्स या फिर डिसीजन मेकिंग टूल्स की हाउ वी हैव टू डिसाइड द थिंग्स, हमें चीज़ों कैसे डिसाइड करनी है, कैसे मैनेज करनी है, दैट इज कम्स अंडर सर्विलेंस। अब सर्विलेंस में हमारा जो मेन चीज़ जो हमें देखनी पड़ती है सर्विलेंस के अंदर, दैट इज़ कि हमारे जो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको हमें एस्टिमेट करना होता है। क्या करना होता है, हमें सर्वे करना होता है, वी हैव टू कंडक्ट अ सर्वे। हम यहाँ पे सर्वे करेंगे और एक एस्टिमेट बनाएंगे, एक अंदाज़ा लगाएंगे कि इस समय हमारी फील्ड में इतनी पेस्ट की पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे हमें कितना पेस्ट यूज़ करना है, कब करना है। तो ये जो मैंने ऊपर बात बोली थी कि प्रॉपर अमाउंट यूज़ करेंगे और प्रॉपर टाइम पे यूज़ करेंगे, तो ये जो चीज़ है कि हमें कितना अमाउंट यूज़ करनी है, कौन सा प्रॉपर समय, कब आएगा वो समय जब हम पेस्ट से अप्लाई करेंगे, तो ये दोनों बातें हमारी डिपेंड करेंगी पेस्ट सर्विलेंस पे। यानी पहले में वी हैव टू कंडक्ट अ सर्वे एंड वी हैव टू एस्टिमेट सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारा पेस्ट सर्विलेंस कहलाता है। तो जब हम पेस्ट सर्विलेंस कर लेंगे उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट में पेस्टिसाइड अप्लाई करना है और किस समय अप्लाई करना है। अब ये कैसे होता है, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करते हैं अबाउट द पेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कि पेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है आपके पर्टिकुलर एरिया में, लोकेलिटी में, उनका अबंडेंस कितना है। उसके बाद उसकी लाइफ हिस्ट्री की स्टडी करेंगे, लाइफ हिस्ट्री ऑफ द पेस्ट, पेस्ट की लाइफ हिस्ट्री,
ठीक है। लाइफ हिस्ट्री से मतलब क्या है? लाइफ हिस्ट्री का मतलब वी ऑल नो कि इंसेक्ट्स जो होते हैं जब भी डेवलप होते हैं तो वो एग बनता है। एग के बाद क्या बनेगा डिपेंड कि इनमें मॉर्फोसिस कैसी हो रही। सपोज हम निम्फ ले लेते हैं, यहाँ पे निम्फ बना, एग था, एग की हैचिंग होकर निम्फ बना, निम्फ के बाद बनता है अडल्ट। सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मैंगो मिली बग, हमने मैंगो मिली बग का एग्जाम्पल लिया। सपोज मैंगो मिली बग की जो फीमेल होती है वो अप्रैल मई के टाइम पे जो मैंगो के ऑर्चर्ड्स होते हैं ना उसके नीचे मिट्टी जो होती है मिट्टी में सॉइल में क्या करती है अंडे देती है, सॉइल में एग लेइंग होती है। मैंगो मिली बग का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल लेके बात करें मैंगो मिली बग में। तो मैंगो मिली बग क्या करती है जनरली अपने एग्स को ले करती है सॉइल में और इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई, ठीक है। अप्रैल मई का जो समय होता है ना उस दौरान ये जो फीमेल होती है मैंगो मिली बग की वो मिट्टी के आसपास अपने एग ले करती है। उसके बाद जाड़े के टाइम जब आता है, जब नॉर्थ इंडिया में जब विंटर स्टार्ट हो जाता है दिसंबर के टाइम, तो दिसंबर के टाइम वो अंडे जो हैं फूट के वहाँ से निम्फ निकलने लग जाते हैं। और होता क्या है, ये हमारा मैंगो है, ये जो मैंगो का ट्रंक है ना, क्योंकि अंडे तो सॉइल में थे, अब अंडों से जब निम्फ निकला तो निम्फ निकल के यहाँ पर चढ़ने लगेगा, तो तभी तो हम बैंडिंग कर देते थे, आपने पढ़ा होगा ना, बैंडिंग करते हैं हम, ठीक है। डिफरेंट टाइप के बैंड्स यूज़ करते हैं, ग्रीस बैंड्स, ठीक है। तो ये बैंडिंग जो हम करते हैं वो इसीलिए तो करते हैं ताकि निम्फ ऊपर चढ़ ही ना पाए, ठीक है। तो सपोज़ अगर हमने बैंडिंग नहीं करी, हम एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हमने बैंडिंग नहीं करी, तो होगा क्या, निम्फ को प्रॉपर जगह मिल रही है, निम्फ ऊपर आ जाएगा और सारे कैनोपी खा जाएगा, सारे फूल को ख़राब करेगा, फल खा जाएगा, तो डैमेज हो जाएगा। तो दिसंबर के टाइम पर निम्फ निकलने लग जाता है और मार्च आई मीन दिसंबर के बाद क्या जनवरी आया, जनवरी के टाइम पर ही ऊपर चढ़ेगा, ऊपर की पत्तों को खा जाएगा, डैमेज करेगा। तो ये सब इसकी लाइफ हिस्ट्री हमें पता होना चाहिए था कि किस महीने में इंसेक्ट ने एग लेइंग करी, किस महीने में उसका एग हैच होगा, कब उसका लार्वा निम्फ या जो भी है अकॉर्डिंग टू इंसेक्ट वो कब बाहर आएगा। तो ये टाइमिंग्स अगर हमको पता होंगी तो हम अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं। तो इसका मतलब होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पेस्ट। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है कि पेस्ट कितने हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है, और साथ साथ में ये भी चीज़ जाननी होगी कि हमारे जो दूसरे नेचुरल एनिमीज़ हैं जो उन पर किस तरह से असर करते हैं, वो उनका इन्फ्लुएंस क्या रहता है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है उस टाइम पर, कि कौन सा क्लाइमेट फेवरेबल होगा पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमको होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं। देन द यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड हैज़ लीड टू वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ, ठीक है। अगर हमने पेस्टिसाइड का ठीक से यूज़ नहीं करा, जैसा आजकल आप बहुत सुनते होंगे पेस्ट में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब कि आप जितना भी हाई डोज यूज़ कर लो पेस्टिसाइड का कि वो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट है वो मर ही नहीं रहा है, किल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है, रोकथाम हो चुकी है उसके अंदर, वो हाई डोज को भी क्या करेगा, रेजिस्ट कर देगा। तो ये अगर ये सब चीज़ें क्या क्यों हो रही हैं, द रीज़न बिहाइंड इज हम पेस्टिसाइड जो स्प्रे कर रहे हैं उसको किल करने के लिए इंसेक्ट को वो सही अमाउंट में नहीं करते हैं, ठीक है, ज़्यादा या कम हो जाता है, और करेक्ट टाइम पे नहीं करते। तो प्रॉपरली हम मिसयूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ प्रॉपर नहीं करते, तो इसकी वजह से क्या होती है, पेस्ट रेजिस्टेंस जैसी कंडीशंस हमको फेस करने को मिलती हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, हाँ वो यही है कि हम क्या करते हैं, पेस्ट में जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए हम पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट कंडक्ट करते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब हम प्रॉपर सर्वे करेंगे, सर्विलेंस करेंगे। सर्विलेंस का मतलब ही होता है कि एक प्रॉपरली हम हर चीज़ को सर्वे करके एस्टिमेट करें, इन्फॉर्मेशन बनाएं कि हाँ हमारी पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी है, उसकी लाइफ हिस्ट्री है, उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है पार्ट होता है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस मैनेजमेंट का। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फॉरकास्टिंग ऑफ पेस्ट अटैक। पेस्ट अटैक को हम कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, फॉरकास्टिंग का मतलब है पहले से बता देना कि पेस्ट का अटैक होने वाला है, भविष्यवाणी टाइप का पेस्ट फॉरकास्टिंग। तो पेस्ट फॉरकास्टिंग में जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि पेस्ट की हमको जो अपनी नॉलेज है, लाइक हमको पेस्ट की बायोलॉजी पता होनी चाहिए, बायोलॉजी इन द सेंस कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी माउथ पार्ट कैसा है, विंग्स कैसे हैं, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, कहाँ कौन कौन से प्लांट्स पे वो बैठता है, कौन से प्लांट्स से वो न्यूट्रिएंट इनटेक करते हैं, बायोलॉजी वो इकोलॉजी आसपास की जो जगह है उसकी, वहाँ पे उसका कैसा रिलेशन है, एग लेइंग सॉइल में होती है
कहाँ होती है, लीव्स में होती है, दैट इज इकोलॉजी। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको होगी, ठीक है, तो ही हम क्या करते हैं, फॉरकास्ट कर पाते हैं। तो यहाँ देखते हैं, इकोलॉजी द पेस्ट द बेसिस ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, इकोलॉजी पता होना चाहिए। रेगुलर पेस्ट मॉनिटरिंग, समय समय पे हमें पेस्ट को मॉनिटर करना है, सर्वे कंडक्ट करना है। सर्विलेंस इज नेसेसरी टू एनहेंस द प्रिपेयरनेस ऑफ द फार्मर टू मीट द चैलेंजेस। मतलब अगर हमने ये सब करके रखा होगा, पेस्ट को समय समय पर रेगुलेट करते रहेंगे, मैंने मॉनिटरिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे किस समय पेस्ट की पोषण ज़्यादा है, कब कम है, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं फार्मर को रेडी करेंगी कि फार्मर को क्या डिसीजन लेना है, कितना पेस्ट किस समय अप्लाई करना है। एनालिसिस ऑफ एग्रो इको सिस्टम अंडर द पेस्ट एंड देयर नेचुरल एलिमेंट्स थ्राइव इज वाइटल। फोरकास्टिंग ऑफ पेस्ट अटैक इज इसेंशियल फॉर प्लानिंग ऑफ सक्सेसफुल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यही एक रोल इम्पॉर्टेंट की है हमको, अगर पेस्टिसाइड को या पेस्ट को रेगुलेट करने, तो पेस्ट फॉरकास्टिंग इसी चीज़ से निर्भर होती है कि हम प्लानिंग कैसे करके चल रहे हैं। तो अच्छी अगर फॉरकास्टिंग करनी है तो बेसिकली वो दो चीज़ पे बातों पे निर्भर करती है, बायोलॉजी क्या है इंसेक्ट की और उसकी इकोलॉजी क्या है, इसी दो फैक्टर्स पे हमारी फॉरकास्टिंग जो होती है, इंसेक्ट पेस्ट की फॉरकास्टिंग वो निर्भर करती है। और जनरली जब हम फॉरकास्टिंग करते हैं तो जनरली पेस्ट की फॉरकास्टिंग में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमको गैदर करनी होती है। इन्फॉर्मेशन ये तीन टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल क्वांटिटेटिव स्टडी, मतलब क्वांटिटेटिव से सिंपल मतलब है नंबर, क्वांटिटेटिव यानी नंबर, पेस्ट का नंबर कितना है, नंबर बोलो या फिर पॉपुलेशन, उनकी कितनी जनसंख्या है, एक है दो हैं, इतने अधिक हो गए तो पॉपुलेशन ही बोलेंगे। देन लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। देन इफेक्ट ऑफ वेदर और सीजन द पेस्ट, किसी भी पर्टिकुलर पेस्ट की पॉपुलेशन कैसी है, उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, वेदर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों को अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे सारे फैक्टर्स को, देन वी कम ऑन कंक्लूजन कि हम कैसी फॉरकास्टिंग करनी है। तो वन बाय वन हम सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया सीजनल क्वांटिटेटिव स्टडी के अंदर क्या आता है। सीजनल क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ पेस्ट रिवील्स द अप्स एंड डाउन्स इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो नंबर, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है घट रही है, हमारा सीजनल क्वांटिटेटिव स्टडी हो गया। या फिर उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी एरिया में ज़्यादा है कम है, ठीक है, कैसा उनका इमरजेंस है, पर्टिकुलर सीजन में किस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, तो ये हो गया। लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो कब उनकी एग लेइंग हो रही है, कब निम्फ बन रहा है, कहाँ पे एग लेइंग होगी, ठीक है, अडल्ट लार्वा से अडल्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, निम्फ को अडल्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, ये सब उनकी लाइफ हिस्ट्री की बात होगी। वेदर और सीजन का इफेक्ट कैसा पड़ रहा है, वेदर गर्मी है या सर्दी है, ये सब फैक्टर्स उनकी पॉपुलेशन को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। साथ में जो नेचुरल एनिमीज़ हैं हमारे, पैरासाइट प्रीडेटर्स, इनकी पॉपुलेशन की स्टडी भी साइड बाय साइड कंडक्ट होनी चाहिए, बिकॉज इनका ही मेन रोल होता है इनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट की फॉरकास्टिंग अच्छे से कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम डिसीजंस लेंगे। For successful IPM program, the agro ecosystem analysis on the selected crop and the conducts. Okay, अब यहाँ पर जो पैराग्राफ है ये बोल रहा, ये बात करेगा आप फार्मर्स फील्ड स्कूल की। फार्मर्स फील्ड स्कूल क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो फार्मर फील्ड स्कूल में बेसिकली फार्मर्स को ट्रेन किया जाता है अबाउट द IPM प्रैक्टिस, इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट के जो टूल्स होते हैं वो फार्मर्स को सिखाए जाते हैं। फॉर सक्सेसफुल IPM प्रोग्राम एग्रो इकोसिस्टम एनालिसिस ऑन द सिलेक्टेड क्रॉप एंड कंडक्ट फार्मर्स फील्ड स्कूल्स हैव बीन गेनिंग इम्पॉर्टेंस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फार्मर्स आर ट्रेंड ऑन IPM अप्रोच, फार्मर्स को IPM से जुड़ी हर एक जानकारी दी जाती है ऑन देयर फील्ड, वो भी कहाँ पर, उन्हीं के फील्ड पर। दैट इज़ वाई इसका नाम है फार्मर्स फील्ड स्कूल, यानी फार्मर का जो फील्ड है वही उसके लिए स्कूल की तरह काम करेगा, ठीक है। तो फार्मर का स्कूल वही है, उसका फील्ड है, जो भी उसका फील्ड है, ठीक है, ऑर्चर्ड है, वहीं पे उसको नॉलेज दी जाएगी, स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे टू कंडक्ट IPM एंड हाउ टू मैनेज द पॉपुलेशन ऑफ पेस्ट। तो इसी को नाम दिया है फार्मर फील्ड स्कूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है टू कंडक्ट IPM। आगे आता है हमारा क्वारंटीन मेजर। क्वारंटीन मेजर्स में हमारे को जनरली दो तीन बातें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन से पेस्ट हैं या डिसीजेज भी हैं, यहाँ पे पेस्ट या डिसीज़ सेम है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज़ पेस्ट के बारे में बात करनी है कि कौन से डिसीजेज या इंसेक्ट्स हैं जो बाहर की कंट्री से, इंटरनेशनली जो कंट्री है वहाँ से इंडिया में आए हैं,
उसके बाद हमको बात करनी है डोमेस्टिक क्वारंटीन, यानी जो हमारे अंदर ही अंदर हमारे इंडिया के अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में क्वारंटीन लगाया, दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन होता क्या है? तो क्वारंटाइन का मतलब होता है लीगल अप्रोच। जब हम लीगल अप्रोच का यूज़ करेंगे ना पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, वो हमारा क्वारंटाइन कहलाएगा, ठीक है। द मेथड ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट, एक्सक्लूजन का मतलब होता है, एक्सक्लूजन माने अवॉइड, मतलब एक्सक्लूड करना, बाहर रखना, हटा देना, ठीक है। द मेथड ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पेस्ट, यानी पेस्ट को हटाने के लिए, एक्सक्लूजन करने के लिए वी हैव टू डू इन्फोर्स थ्रू सर्टेन लीगल मेजर्स, हमें कुछ लीगल मेजर्स अपनाने होते हैं, ठीक है। पेस्ट की पॉपुलेशन को एक्सक्लूड करने के लिए, हटाने के लिए हम जब लीगल मेथड्स का यूज़ करेंगे, दैट इज़ नोन एज क्वारंटाइन, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, पार्थिनियम एक वीड है, वी ऑल नो पार्थिनियम वीड होता है, और ये इंडिया में कैसा है, ये इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड है, ये ध्यान रखना। पार्थिनियम पूछा जाएगा कि पार्थिनियम वीड जो है वो कैसा है, दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड वीड। इंट्रोड्यूस्ड का मतलब होता है कि बाहर की कंट्री से भारत में हमारे लाया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, हुआ क्या था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन वाला टाइम था, तो मैक्सिकन वीट इंडिया में आ रहा था, तो उसके इंपोर्ट के दौरान ही हमारा पार्थिनियम अंदर आ गया था। तो उस टाइम पे तो क्वारंटीन मेजर नाम की कोई चीज़ थी नहीं कि हम किस तरह से लीगली कंट्रोल कर रहे पेस्ट को, लेकिन आज के डेट में वी हैव क्वारंटीन मेजर्स, और क्वारंटाइन मेजर्स के तहत हमने बहुत सारे इंसेक्ट को जो है कंट्रोल करा है। तो हमें पहले तो ये देखना है कि जब क्वारंटाइन नहीं था तो बहुत सारे इंसेक्ट इंडिया में आ चुके थे, तो उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमको होनी चाहिए कि कौन से इंसेक्ट्स आ चुके हैं हमारे भारत में और कहाँ से आए हैं। उन कंट्रीज़ का नाम भी याद रखना है कि कौन सी कंट्रीज़ से भारत में उनको लाया गया है, ठीक है, किस साल लाया गया है, कौन सा पेस्ट किस क्रॉप में लगता है, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पहले हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सेम डिसीज़ के साथ भी यही हाल है कि कौन सी डिसीज़ हैं जो बाहर की कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं वो पढ़ना है। उसके बाद हम डोमेस्टिक क्वारंटीन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले वन बाय वन ये देखते हैं कि कौन कौन सी इंसेक्ट्स हैं जो बाहर से इंडिया में लाए गए हैं। तो यहाँ पे हमको इंसेक्ट्स की बात करनी है और डिसीजेस की बात करनी है। तो यहाँ पे वी हैव अप्रॉक्स एट, हमारे पास आठ इंसेक्ट पेस्ट हैं, तो हमको आठ इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ना है। पहला है यहाँ पे ग्रेप वाइन फाइलोक्सेरा, साइंटिफिक नेम जो है इसका ये है, पर यहाँ पे हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है, ये जानना है कि कौन सी डिसीज़ है, कौन सा इंसेक्ट है और कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, कहाँ से। तो साइंटिफिक नेम हम बाद में याद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में या फिर अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मेन पढ़ेंगे कौन सा इंसेक्ट है और कौन सा डिसीज़ है। तो जो ग्रेपवाइन फाइलोक्सेरा है, ये हमारा इंसेक्ट है जो कि हमारे बेसिकली ग्रेप्स में लगता है, ठीक है। तो ये जो इंसेक्ट था ये इंट्रोड्यूस्ड हुआ था यूएसए से फ्रांस में, ठीक है। और फ्रांस में जब हमने इसका कल्टिवेशन करना चाहा, तो यहाँ पे हम देखा कि नोटिस करा कि फ्रांस में जितने भी वाइनयार्ड्स थे, ग्रेप्स के जो फील्ड होते हैं, वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ दिस ग्रेप फाइलोक्सेरा पेस्ट, ओके। तो ग्रेप फाइलोक्सेरा जो है वो यूएसए से फ्रांस में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिकन बॉल वीविल, नाम से क्लियर हो रहा है किस पेस्ट किसका पेस्ट है, बॉल, जिसमें बॉल बनता है, बॉल किसमें बनता है, कॉटन रूई, ठीक है। तो एक कॉटन का इंपॉर्टेंट पेस्ट है मैक्सिकन बॉल वीविल, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, मैक्सिकन नाम है तो मैक्सिको यानी जो सेंट्रल अमेरिका होता है वहाँ से यूएसए में इसको पहुँचाया गया, वहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुआ है यूएसए में 1892 में, ठीक है। अब ये तो हमारी बात हो गई ऐसी कंट्रीज़ जो फॉरेन है, फॉरेन से फॉरेन में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब हम जो एग्जाम्पल पढ़ने वो इंडिया से रिलेटेड पढ़ने, यानी ऐसी कौन सी इंसेक्ट हैं जो इंडिया में आए हैं या फिर इंडिया से कहीं गए हैं, ठीक है। तो जो तीसरा है दैट इज़ यूरोपियन कॉर्न बॉरर, ओके, ये भी हमारा फॉरेन वाला ही है, ये भी इटली हंगरी से इंट्रोड्यूस हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। ये बॉरर कॉर्न है यानी मेज कॉर्न में लगता है ये, ठीक है। तो ये तीन एग्जांपल्स तो हमारे ऐसे ही थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इसके बाद, ठीक है, थर्ड के बाद जितने भी हैं, आफ्टर थर्ड जितने भी हैं वो सब हमारे इंडिया से इंडिया कंटेस्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पिंक बॉल वॉर्म, नाम से क्लियर है यहाँ पे बॉल आ रहा है, तो ये भी किसका पेस्ट है, ये भी हमारे कॉटन का पेस्ट है, ठीक है, कॉटन का बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। ये जो पिंक बॉल वॉर्म है इसका साइंटिफिक नेम तो हमने पुरानी वीडियोस में कई बार पढ़ चुके हैं और अब तक तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा, पिक्टिनोफोरा गॉसिपेला। तो जो पिंक बॉल वॉर्म है ये हमारी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, ठीक है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हमारा जो इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है पूरी वर्ल्ड वाइड इसको फैलाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है,
क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सा पेस्ट है जो इंडिया से पूरे वर्ल्ड वाइड में फैल चुका है, दैट इज पिंक बॉल वॉर्म ऑफ कॉटन। नेक्स्ट आता है सेंजोज स्केल। सेंजोज स्केल किस में लगता है, ये किस किस क्रॉप का इंसेक्ट है, ये हमारे एप्पल का, ठीक है, इट इज़ अ पेस्ट ऑफ एप्पल सेंजोज स्केल। और ये पता नहीं, नाम तो मेंशन है नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, खाली है ये हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1920s के टाइम पर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सिक्स नंबर है हमारा पोटैटो ट्यूबर मौत का। तो जो पोटैटो ट्यूबर मौत है ये कहाँ से आई है, ये आई है इटली से, इटली से हमारे इंडिया में आई है इन द ईयर 1900, ठीक है। और पोटैटो ट्यूबर मौत जो है पोटैटो का नाम से समझ रहे, पोटैटो है तो पोटैटो का पेस्ट है। आगे वूली एफिड। वूली एफिड किसका पेस्ट है, वूली एफिड भी अगेन हमारे एप्पल का पेस्ट है। इससे पहले हमने सेंजोज स्केल पढ़ा था, सेंजोज स्केल भी हमारे एप्पल का पेस्ट है जो कि हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। वूली एफिड भी एप्पल का पेस्ट है, ये भी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और ये भी पता नहीं कहाँ से हुआ है। तो देख लो आप, दोनों अच्छे से याद कर लो, एप्पल से हमने दो पेस्ट पढ़े हैं एप्पल के, सेंजोज स्केल और वूली एफिड, ठीक है। सेंजोज स्केल वो भी एप्पल में लगता है और जो वूली एफिड है वो भी हमारा एप्पल में लगता है, और दोनों का सोर्स हमको एक्चुअल में नहीं पता कि कहाँ से आया है, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं हमारे इंडिया में। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा फ्लूटेड स्केल। फ्लूटेड स्केल जो है ये किस में लगता है, इसका क्रॉप अगर देखें तो फ्लूटेड स्केल लगता है हमारा सिट्रस में, जितने भी हमारे सिट्रस स्पीशीज़ हैं उसमें लगता है फ्लूटेड स्केल नाम का इंसेक्ट। अब ये कहाँ से आया है, ये आया है हमारा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आया है 1928 में। लेकिन तो खास बात इसमें यह है कि जब ये ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आया है तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से नहीं आया, बीच में साइलॉन होते हुए आ रहा था, ठीक है। साइलॉन क्या है, एक जगह है जो कि श्रीलंका में पड़ती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका में गया, श्रीलंका से फिर भारत में आ गया। तो एक्चुअल में भारत में तो श्रीलंका की वजह से आया, लेकिन एक्चुअल में ये आया कहाँ से था, एक्चुअल में जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और बाद में भारत में इंट्रोड्यूस इसको कर दिया गया, ठीक है। तो दैट इज़ फ्लूटेड स्केल जो कि सिट्रस का पेस्ट है। आगे नाइन्थ वन इज गोल्डन नीमाटोड ऑफ पोटैटो, इसको गोल्डन सिस्ट नीमाटोड भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये भी इंडिया में आया है आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1947 के बाद आया है, ठीक है। कहाँ से आया इसका भी कोई डेटा नहीं है। तो ये हमारे इंसेक्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, ये हमारे इंसेक्ट थे जो कि हमने पढ़े कि कहाँ से बाहर से इंसेक्ट हमारे इंडिया में आए हैं। रिवाइज करते हैं एक बार, सबसे पहले हमने पढ़ा ग्रेप फाइलोक्सेरा जो कि यूएसए से फ्रांस में आया, फिर मैक्सिकन बॉल विविल जो कॉटन में लगता है, ये भी हमारा मेक्सिको से आया था यूएसए में। उसके बाद हमने यूरोपियन कॉर्न बॉरर पढ़ा जो कि इटली हंगरी से नॉर्थ अमेरिका में आ गया। उसके बाद हमने जो पढ़े वो सब इंडिया से, इंडिया के रिस्पेक्ट में थे, जैसे पिंक बॉल वॉर्म इंडिया से पूरी वर्ल्ड में फैला, सेंजो स्केल कहीं से आया है पता नहीं, वो इंडिया में आया है 1920s के टाइम। फिर हमने पढ़ा सेंजो स्केल एप्पल का है, उसके बाद हमने एक और पेस्ट पढ़ा वूली एफिड जो कि एप्पल में लगता है, ये भी कहीं से आया है इंडिया में, ठीक है। उसके बाद पोटैटो ट्यूबर मौत, ये इटली से भारत में आया है। फ्लूटेड स्केल ऑफ सिट्रस, ये ऑस्ट्रेलिया से भारत में आया है साइलॉन होते हुए। और गोल्डन नीमाटोड जो आलू में लगता है, ये भी हमारा बाहर से आया है इंडिया में। तो ये हमारे थे इंसेक्ट की बात। अब हम पढ़ेंगे डिसीजेस के बारे में। तो डिसीज़ में हमारे पास टोटल 6 डिसीज़ पढ़नी है, नंबर 10 है। वैसे अगर डिसीज़ में देखा जाए तो डिसीज़ में पहला डिसीज़ ये है हमारा लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी जो कॉफ़ी में लगता है, ठीक है, आई मीन डिसीज़ है ये कॉफ़ी की, लीफ रस्ट फंगस, फंगल डिसीज़ है ये। तो ये जो फंगल डिसीज़ है ये श्रीलंका में जो जगह थी साइलॉन, वहाँ से आई है इंडिया में, याद रखना है, इन द ईयर 1876। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इंपॉर्टेंट है, हर एक इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे टेबल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी डिसीज़ है, कहाँ से आई, कहाँ पर और किस साल में आई है, और क्रॉप कौन सा। तो कॉफ़ी लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी है, तो ये साइलॉन श्रीलंका से आई है हमारे भारत में 1876 में, ठीक है। इससे पहले हमने फ्लूटेड स्केल देखा था, फ्लूटेड स्केल इंसेक्ट है सिट्रस का जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में आया है श्रीलंका के साइलॉन से होता हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो कॉफ़ी रस्ट है ये खुद डायरेक्ट श्रीलंका से उठ के हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुई है, बहुत पुरानी बात है 1876 की। इसके अलावा एक और बीमारी है, एक और डिसीज़ है श्रीलंका से भारत में आई है, ठीक है। पहले हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सेकंड डिसीज़ जो है हमारी, दैट इज़ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर,
तो ये आई है हमारी इंग्लैंड से भारत में, और किस साल आई है, 1940 के टाइम, 1940 में भारत में दो बीमारी आई है, ठीक है। तो एक तो हमारी इंग्लैंड से आई है फायर ब्लाइट, और इसका सबसे ज़्यादा डैमेज जो आजकल है दैट इज़ सीरियस डिसीज़ इन उत्तरांचल, या उत्तरांचल तो पुराना नाम है, आजकल हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ उत्तराखंड, ठीक है। तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उत्तराखंड, वहीं पे ही बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम रहती है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर की, बिकॉज उत्तराखंड यू ऑल नो एक हिली स्टेट है, तो जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, और ये एप्पल पियर ही भी टेम्परेट वाले इलाके की, टेम्परेट वाले वातावरण की फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पे ये जो डिसीज़ है फायर ब्लाइट डिसीज़, ये जनरली बैक्टीरिया की वजह से होती है, और ये उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो हमारा जो मैटर है वो ये है कि कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड हुई है, तो ये इंडिया में हमारी आई है इंग्लैंड से 1940 में। नेक्स्ट डिसीज़ जो है दैट इज़ हमारा फ्लैग स्मॉट ऑफ वीट, ये फंगल डिसीज़ है, फ्लैग स्मॉट ऑस्ट्रेलिया से हमारे भारत में आया है, ठीक है, ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा जो उसका इफ़ेक्ट है वो पंजाब, राजस्थान, यूपी वाले एरिया में देखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिसीज़ है बंची टॉप ऑफ डिसीज़, बंची टॉप डिसीज़ ऑफ बनाना, जो कि वायरल डिसीज़ है, ये भी हमारे श्रीलंका से आई है। देखो हमारे पास दो बीमारी हैं जो श्रीलंका से आई हैं, दैट इज़ एक तो कॉफ़ी की थी, कॉफ़ी की लीफ रस्ट, वो पहले आई है, ये हमारी 1876 में आ गई थी। दूसरा जो बनाना में लगती है बंची टॉप, बनाना बंची टॉप, ये भी हमारी श्रीलंका से आई है, ये आई है 1940 में, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों श्रीलंका की हैं, ठीक है, ये दोनों श्रीलंका की बीमारी हैं जो इंडिया में आ गई हैं, कॉफ़ी लीफ रस्ट, बंची टॉप ऑफ बनाना, ये दोनों बीमारी श्रीलंका से हमारे भारत में आई हैं। कॉफ़ी रस्ट पहला आया था 1876 में, और बनाना बंची टॉप आया है 1940 में। और 1940 में एक और बीमारी आई है हमारे भारत में जो कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सीरियस है, दैट इज़ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, ये इंग्लैंड से आई है। तो इसके बाद आगे चलते हैं दूसरे डेटा में, दैट इज़ द वॉट डिसीज़, वॉट ऑफ पटैटो, ठीक है, वॉट डिसीज़ है पटैटो की, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ठीक है, वॉट ऑफ पटैटो। अब यहाँ से जो डब्लू है ना वॉट का, उसको आप याद रखो, डब्लू हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। अब डब्लू जो हम बना रहे हैं उसमें आप क्या करो कि बीच के जो ये डंडे हैं इनको हटा दो, इनको हम रिमूव कर देते हैं, और इससे बनाओ आप एच, इससे हम क्या बनाएंगे, इसका हम बना देंगे एच, एच से बन जाएगा हॉलैंड, ठीक है। मुझे आपको एक ट्रिक देनी थी बेसिकली, वॉट ऑफ पटेटो कहाँ से आया, हॉलैंड से आया, तो इसको हम ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा मुझे बन गया था ट्रिक, तो मैंने आपको बता दिया, इसको हॉलैंड याद रख सकते हो। तो आलू में जो वॉट डिसीज़ लगती है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, ये हॉलैंड से इंडिया में आई है 1952 में। उसके बाद लास्ट है ऑनियन स्मट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहीं से आ गया है, कब आया कुछ नहीं पता, बस इंडिया में कहीं से आया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ थी, ठीक है। एक बार और रिवाइज करते हैं, हमने डिसीज़ में कौन कौन सी डिसीज़ कवर कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा था श्रीलंका की डिसीज़, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप ऐसे याद रखो, श्रीलंका से हमारे यहाँ दो डिसीज़ आई हैं, ठीक है। सबसे पहला आई कॉफ़ी रस्ट, ठीक है, कॉफ़ी लीफ रस्ट, और दूसरा हमारा आया बंची टॉप ऑफ बनाना, ये दोनों ही हमारे श्रीलंका से आई हैं। कॉफ़ी रस्ट आई थी हमारी 1876 में, और जो बंची टॉप आया है हमारा 1940 में आया। 1940 से आपको ध्यान आए, एक और बीमारी इंग्लैंड से आई थी, उसका नाम था जो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा सीरियस है, दैट इज़ फायर ब्लाइट, ठीक है। फायर ब्लाइट बीमारी जो है हमारे आई थी इंग्लैंड से इंडिया में, ये आई है इंग्लैंड से इंडिया में, इन द ईयर, अगर ईयर आपसे पूछा जाए तो ये 1940 में, ठीक है। इसके अलावा और जो हमारी डिसीजेस थी, दैट इज़ लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी हो गया, फायर ब्लाइट हो गया, फ्लैग स्मॉट ऑफ वीट, फ्लैग स्मॉट ऑफ वीट, फ्लैग स्मॉट ऑफ वीट कहाँ से आया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके अलावा हमने पढ़ा पटैटो वॉर्ट, वॉर्ट ऐसे बनते हैं, और उस डब्ल्यू को आप एच याद रखो, हॉलैंड, तो पटैटो वॉर्ट हॉलैंड से इंडिया में आया है 1952 में, ऑन स्मट भी इंडिया में आई है, ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद हमको कुछ डोमेस्टिक क्वारंटाइन भी याद रखने हैं, ठीक है। डोमेस्टिक क्वारंटीन जो लगते हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में लगते हैं, तो ये पैराग्राफ इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है, डायरेक्ट हम स्टेबल को पढ़ते हैं, डोमेस्टिक क्वारंटाइन ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिया में स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या होता है कि पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन सिर्फ उसी स्टेट तक सीमित रहता है, ठीक है। बाहर अगर भेजा तो वहाँ पे डिसीज़ फैलने का चांस रहता है, पर्टिकुलरली ये जो हमारे पेस्ट हैं, ये हमारे इंसेक्ट भी हो सकते हैं, डिसीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है।
तो देखो वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे शामिल हैं। पहला है हमारा फ्लूटेड स्केल, ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। फ्लूटेड स्केल किस में लगता है? फ्लूटेड स्केल हमारा सिट्रस में लगता है, जो भी हमारे नींबू वर्गीय क्रॉप्स होते हैं सिट्रस, उसमें लगता है फ्लूटेड स्केल। अब ये फ्लूटेड स्केल हमारे भारत में पहले नहीं था, ये कहाँ से आया था? अभी हमने पढ़ा था ऊपर, फ्लूटेड स्केल जो है सिट्रस का इंट्रोड्यूस्ड है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से भारत में आया है किसके जरिए? श्रीलंका होते हुए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से भारत में, श्रीलंका में जगह है साइलन, वहाँ से होता हुआ हमारे इंडिया में आया था इन द ईयर 1928। अब भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखना है। साइंटिफिक नेम हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मेन मुद्दे की बात यह है कि ये इंसेक्ट कहाँ से आया है। अब ये कहाँ कहाँ पे इसका डोमेस्टिक क्वारंटीन है? तो इंडिया में अगर बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, ठीक है। जो 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 भी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में रहते हैं वहाँ पे ये जो इंसेक्ट है वो वहाँ का डोमेस्टिक क्वारंटीन के अंदर शामिल है। तो इतनी दूर से तो कोई आई थिंक मेरी वीडियो देख ही रहा होगा तमिलनाडु कर्नाटक का से, ठीक है। वैसे वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश का ज़्यादा क्रेज़ है, तो मैं तो वैसे भी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ के लोग वीडियो देखते भी होंगे। चलो खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट है हमारा सैंजोल स्केल। अगेन यहाँ पे भी हम रिवाइज करते चलते हैं। सैंजोल स्केल हमारे इंडिया में कहाँ से आया? ये कहीं बाहर से आया, हमें नहीं पता कहाँ से आया सैंजोल स्केल। किसका पेस्ट है? एप्पल का पेस्ट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी सैंजोल स्केल में, येस। तो सैंजोल स्केल जो है ये हमारा इंडिया में आया, ये ठीक है, हाँ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट एप्पल का पेस्ट है, ये किस क्रॉप का पेस्ट है ये भी ध्यान रखना चाहिए। सैंजोल स्केल जो हमारा है वो एप्पल का पेस्ट है, एप्पल में लगता है। उसके अलावा अब बात करें इसका डोमेस्टिक क्वारंटीन कहाँ कहाँ पर है, तो ये हमारे पंजाब में है, HPN हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा UP, वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा, ओडिशा नहीं होता अब, ये नाम इसका चेंज हो गया ना, दैट इज़ ओडिशा, अब उसको हम ओडिशा बोलते हैं ना कि ओडिशा, ओके। तो जितने भी ओडिशा वाले हैं उसको, उनको तो पता ही होगा ओडिशा है, ठीक है। बहुत सारी जगहों के नाम इस तरह से चेंज होते रहते हैं, तो यहाँ पे ये ओडिशा है, सो करेक्ट कर लेना है। सैंजोल स्केल का क्वारंटीन इन स्टेट्स के बीच में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉडलिंग मॉथ, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पेस्ट है। किस क्रॉप का? ये है हमारा एप्पल का, कॉडलिंग मॉथ। अब ये जो पेस्ट है ये बेसिकली वहीं लगेगा जहाँ एप्पल ग्रो होगा, और एप्पल ग्रो होता है हमारे पहाड़ों में, जैसे लद्दाख, लद्दाख एंड कारगिल एरिया, लद्दाख का जो और कारगिल का एरिया है और जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वहाँ पे कॉडलिंग मॉथ को लेके क्वारंटीन रहता है, ठीक है। अब आते हैं अपने आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेस्ट है हमारा गोल्डन नेमाटोड या फिर गोल्डन सिस्ट नेमाटोड, ठीक है, जो पटेटो में लगता है हमारा। इसका जो क्वारंटीन है डोमेस्टिक क्वारंटीन वो है हमारे तमिलनाडु में, तमिलनाडु नीलगिरी हिल्स, जो नीलगिरी हिल्स हैं वो तमिलनाडु में ही हैं, तो वहाँ पे इसका क्वारंटीन डोमेस्टिक क्वारंटीन है। आगे है हमारा फिफ्थ वन इज़ बंची टॉप, ठीक है। केले में बीमारी लगती है बंची टॉप, क्योंकि वायरल डिसीज़ है। इसके अलावा और भी फैक्ट आपको याद रखना है बंची टॉप से, भी हमने ऊपर पढ़ा कि बंची टॉप जो है वो कहाँ से आया है। तो देखो दो बीमारी हमने साथ में पढ़ी थी, कॉफ़ी रस्ट और बंची टॉप, भी श्रीलंका से आई है, ध्यान रखना है। बंची टॉप हमारा इंडिया में श्रीलंका से आया है, ये ध्यान रखना है। बंची टॉप कहाँ से आया? श्रीलंका से, इन द ईयर 1940, ठीक है। और 1940 में एक और बीमारी जो इंग्लैंड से भारत में आई है, दैट इज़ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल और पियर, एप्पल एंड पियर, ठीक है। तो इंग्लैंड आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल यहाँ पे हम डोमेस्टिक क्वारंटीन की बात करें, तो बंची टॉप जो केले में लगती है वायरल डिसीज़, इसका जो क्वारंटीन है वो कौन कौन से स्टेट्स में है, दैट इज़ असम, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, अगेन ये भी ओडिशा, ठीक है। तो ठीक कर लेते हैं ओडिशा कर लेते हैं, ओडिशा को, ठीक है। और इसके बाद एक और डिसीज़ है बनाना की, दैट इज़ बनाना मोजैक, जो कि अगेन मोजैक है, तो उसका मतलब वायरल डिसीज़ है। और इसका जो क्वारंटीन रहता है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में रहता है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, डोमेस्टिक क्वारंटीन इन चीज़ों को लेकर रहता है। इसके अलावा आगे हमारी और भी बीमारी हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं और है हमारे पास लिस्ट, पटेटो वार्ट। अब डब्लू वार्ट है, वार्ट से मैंने आपको बताया ना, वार्ट को एच बनाओ हॉलैंड, तो ये हॉलैंड से आया है हमारे भारत में, ठीक है। हॉलैंड से भारत में कब आया है? 1952 के समय आया था, ठीक है। और इसका जो क्वारंटीन है वो वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बीच में, दार्जिलिंग एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि चाय के लिए बहुत फेमस है ना, टी के लिए फेमस है। यहाँ पर दार्जिलिंग टी को सबसे पहला जो GI टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो है हमारा कॉटन लीफ कर्ल, कॉटन लीफ कर्ल, तो अगेन ये भी हमारा
वायरल डिजीज़ है, जो भी लीफ कर्ल वाली बीमारियाँ होती हैं जिनमें लीफ कर्ल्स हो जाती हैं वो वायरस के थ्रू होती हैं। जो कॉटन लीफ कर्ल है वो भी वायरल डिजीज़ है, जो कि कहाँ पे एरियाज में डोमेस्टिक क्वारंटीन्स का पंजाब राजस्थान और जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं ना पाकिस्तान के, अगर हम मैप देखें पंजाब राजस्थान का जो बॉर्डर वाला एरिया है जो पाकिस्तान से बॉर्डर बनाते हैं उन एरियाज़ में इसका क्वारंटीन रहता है। तो होप सो आपको सारे वन बाय वन करके अच्छे से याद हो गए होंगे, एक बार हम और अच्छे से इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको हम देख लेते हैं, जैसे श्रीलंका टू इंडिया, तो कौन सी डिसीज़ इंसेक्ट पेस्ट जो श्रीलंका से इंडिया लाए गए हैं, तो यहाँ पे हमको दो इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी थी श्रीलंका से इंडिया में जो आई हैं, दैट इज़ लीफ, जो कॉफ़ी लीफ रस्ट है, ठीक है, लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी एंड अदर वन इज़ बंचिट ऑफ बनाना, ठीक है, ध्यान रखना है पहले कॉफ़ी रस्ट आई है, ठीक है, लीफ रस्ट ऑफ कॉफ़ी पहले आया है ना 1876 में और बंची टॉप ऑफ बनाना आई है 1940 में। 1940 से आपको दूसरा याद रखना है जो इंग्लैंड से भारत आया है, दैट इज़ फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट था, उसके बाद नेक्स्ट जो है इंट्रोड्यूस टू इंडिया, कौन कौन सी इंसेक्ट हैं जो इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, दैट इज़ हमारे जो सेंजोज स्केल है जो एप्पल में लगता है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है 1920 में, पोटैटो ट्यूबर मॉथ इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुई है, फ्लूटेड स्केल ऑफ सिट्रस जो सिट्रस में लगता है ये भी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, गोल्डन नेमाटोड इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, इसके अलावा जो पिंक बॉलवॉर्म कॉटन का होता है ये इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैला है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।